Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Aisha Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 13 June Saturday and sorry thoda sa technical issues ki wajah se aaj late ho gayi main analysis mein. But here let me know you कि मैं जो है regular basis पे जैसा कि queries आ रही है कि थोड़ा सा जल्दी चाहिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ but आज कुछ technical errors की वजह से थोड़ा सा late हो गया. okay? So चलिए start करते हैं आज का analysis. The first news is SC allows firms to negotiate with staff on lockdown wages. Basically, Supreme Court ने अलाउ किया है फर्म्स को कि वो वेजेस जो है उसके संदर्भ में अपने स्टाफ से नेगोशिएट कर सकती हैं. इट मींस मैं आपको बता देती हूँ, अभी रिसेंटली सरकार द्वारा एक स्टेटमेंट आया था लॉकडाउन के दौरान कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है चाहे गवर्नमेंट है, उन्हें अपनी जो एम्प्लॉयज़ है उनको पूरा स्टाफ को सैलरीज देनी होगी, है ना. उसमें नेगोशिएट नहीं कर सकते या उसमें कोई भी जो है मिसबिहेव नहीं कर सकते वो स्टाफ के साथ में. उसका रीज़न ये था कि जो स्टाफ है या जो पर्सन एम्प्लॉयज़ हैं वो लोग जो है फिनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना करें और उसके लिए फर्म्स और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है उसे नेगोशिएट नहीं करेंगे और आप सैलरीज प्रोवाइड करवाएंगे. उसी के संदर्भ में जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस द्वारा और जो है ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा ये कहा गया कि हमारे पास में इतने पैसे नहीं है, फंड्स नहीं है, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वी डोंट हैव मच अमाउंट टू पे टू सैलराइड पर्संस और स्टाफ पर्संस, एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इस सिचुएशन में जो फिनेंशियल क्राइसिस ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस भी फर्म्स भी फेस कर रही है उस कंडीशन में आप जो वेजेस है उसको नेगोशिएट कर सकते हैं. मतलब आप जितनी सैलरीज है उसके साथ में कुछ नेगोशिएट करके एक मिडल टर्म पे आकर रुक सकते हैं, उतना पे कर सकते हैं. ठीक है, फुल सैलरीज पे करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है अगर आपके पास में कोई ऐसी कंडीशंस हैं जो कि आपको आपके लिए जो है फिनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर रही है, तो आपको भी आगे जो है फुल पेमेंट्स की नीड नहीं है. ठीक है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, नेगोशिएट करके एक मिडल टर्म पर आकर रुक सकते हैं. देखिए, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो है या फैक्ट्री ओनर्स के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है, लेकिन अब क्योंकि ये जो कंडीशन है ये बात आती है उन लोगों पर जो सैलराइड है या जिनका घर उन्हीं सैलरीज या उन्हीं वेजेस के बेसिस पर चलता है, तो वो लोग कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है पॉइंट आउट करेंगे, इसके ऊपर जो है पिटीशंस फाइल करेंगे और आगे भी बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होगी. बट स्टिल अभी एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है. और क्यों? क्योंकि उनके जो है अर्निंग्स पर बेस्ड या उनकी अर्निंग्स पर ये जो फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का फर्म्स की अर्निंग्स पर, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो सैलराइड पर्सन्स हैं उनकी भी अर्निंग सैलरी बेस्ड होती है, है ना. और कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस कहीं कम नहीं हुए हैं लॉकडाउन के चलते या पेंडेमिक के चलते, एक्सपेंसेस एज इट इज़ रन अप कर रहे हैं और उसी बेसिस पर अर्निंग्स भी उतनी ही चाहिए होती है. बट स्टिल अब क्योंकि देखिए सरकार के पास भी इतना पैसा नहीं है और जो है वो सारा पैसा वो ऑलरेडी स्टिमुलस पैकेजेस में या और भी जो COVID-19 को हैंडल करने के जो फिनेंशियल क्राइसिस है उनको हैंडल करने में चला रही है, यूज़ ले रहे हैं. प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जो है बंद होने के कारण कहीं ना कहीं उन्हें भी फिनेंशियल क्राइसिस को हैंडल करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम सभी को थोड़ा सा जो है तालमेल बिठा कर चलना होगा, चाहे वो सैटेलाइट पर्सनस हैं, चाहे वो आप फर्म जो है इंडस्ट्रियलिस्ट ले लीजिए, फर्म ओनर्स ले लीजिए या गवर्नमेंट ले लीजिए, सभी को अपने आप पे जो है एक तालमेल बिठाना होगा और उस बेसिस पे चलना होगा. फर्म्स को भी ये ध्यान रखना होगा कि उन लोगों को जो कि उसके उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके यहाँ पे अर्निंग्स का सोर्स हैं, उनको कहीं बहुत ज़्यादा लॉसेस ना हो या कोई इशू ना देखना पड़े. और वहीं जो है जो वर्कर्स हैं सैलराइड पर्सनस हैं उनको भी ये ध्यान रखना होगा कि जो ओन कंपनीज है या ओनर्स जो हैंडल कर रहे हैं फाइनेंशियल क्राइसिस को, या जो कंपनीज उन्हीं पर वर्क करने पर चल रही है और वो पिछले 2-3 महीने से बंद पड़ी है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी अर्निंग्स की इशू तो होता ही है. तो ये इस कंडीशन में ये एक ऐसा टाइम है जब हमें सभी के साथ में एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए एक तालमेल बिठाते हुए आगे चलना होगा. ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ दिल्ली गवर्नमेंट आस्क्ड टू एक्सप्लेन डिक्लाइन इन COVID-19 टेस्टिंग. COVID-19 की टेस्टिंग के अंदर जो है कमी क्यों आ रही है इस पर दिल्ली गवर्नमेंट से जो है सवाल पूछा गया है. इस मामले में जो है
नॉन टेस्टिंग ऑफ पेशेंट्स नॉट अ सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. आप टेस्ट ही ना करें पेशेंट्स का, आपके पास में बेड्स की कमी होने या हॉस्पिटल्स की कमी होने के कारण आप अगर टेस्ट ही नहीं करेंगे पेशेंट्स का, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. ठीक है, केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, 2000 3000 4000 डेली बेसिस पर जो है केसेस फाइल हो रहे हैं कोविड-19 के. और फिर अब जो है केसेस जो है फाइल कम हो रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही है. टेस्टिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बेड्स और हॉस्पिटल्स जो है वो अवेलेबल नहीं है. तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट से कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जैसे हो सकता है वैसे मैनेज कीजिए, लेकिन टेस्टिंग नहीं करना कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है. ओके, ऑलरेडी पिछले कई दिनों से दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड, हॉस्पिटल से रिलेटेड, बेड से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं, है ना. द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पुट्स ऑफ डिसीजन ऑन स्टेट्स GST ड्यूज टिल जुलाई. गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न जो है दिया है स्टेट्स के ऊपर, GST जिनकी ड्यू है उसके बेसिस पे काउंसिल ने डिस्कस किया है कि वो सेस को कहीं ना कहीं कंपेंसेट करेंगे, और क्योंकि उन्हें बोरोइंग की ज़रूरत है ना, बोरोइंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए जो है सेस जो है रिमूव या टैक्सेस जो है उन्हें कहीं ना कहीं कंपेंसेट किया जाएगा. और GST कलेक्शन जो हुआ है पिछले 2 महीने के अंदर हैव ओनली रीच्ड 45% ऑफ द टारगेट अमाउंट. जितना टारगेट अमाउंट है उसका करीब सिर्फ 45% तक ही जो है पहुंच पाया है. तो गवर्नमेंट जो है ऐसे कुछ डिसीजंस ले रही है, ऐसे जो है आइडियाज़ इम्पोज कर रही है जिससे कि इस फिनेंशियल इशू को, टैक्स इशू को जो है सॉर्ट आउट किया जा सके. ठीक है, द नेक्स्ट इज मैन किल्ड इन बॉर्डर फायरिंग बाय नेपाल पुलिस. नेपाल पुलिस द्वारा फायरिंग की गई थी, और जो है 25 साल का एक पर्सन, 25 years old एक पर्सन की डेथ हो गई. उसके अलावा 2 लोग जो है इंजर्ड हुए हैं. ये सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के, वहाँ की घटना है फ्राइडे की. नेपाल पुलिस ने वहाँ पे ओपन फायरिंग की. जिन लोगों की ओपन फायरिंग के तहत बॉर्डर पर डेथ हुई है या जो इंजर्ड हुए हैं, उनमें से जिसकी डेथ हुई है उस पर्सन को विकेश कुमार राय के नाम से जो है उसकी आइडेंटिटी दी गई है. उसके अलावा जो लोग इंजर्ड हुए हैं उसमें एक उमेश राम और एक उदय ठाकुर के नाम से आइडेंटिफाई हुए हैं, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं. और उसके अलावा जो इंडियन नेशनल या लगन राय जो है, उनका ये कहना है कि वो उन लगन राय जो है उनको वहाँ पे नेपाल पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है. तो ओवरऑल जो है हम कह सकते हैं 4 लोग इस मौके पर हुई फायरिंग के चपेट में आए हैं, जिसके तहत एक की मृत्यु हो गई है, 2 जने जो हैं उनको वो इंजर्ड हुए हैं, और 1 को हिरासत में नेपाल पुलिस द्वारा ले लिया गया है. आपको बता दें कि लोकल पीपल से जब इस बारे में बातचीत हुई तो पता चला कि ये जो क्लैश है वो कुछ लोगों के फील्ड में आपस में जो है लालबंदी जानकी नगर एरिया, जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे कुछ इश्यूज होने के कारण, डिस्प्यूट्स के कारण क्रिएट हुई, और इसी के तहत ये सारी घटनाक्रम हुआ वहाँ पे. वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉर्डर इश्यूज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं. LOC पर जो है पाक फायरिंग हुई है, जिसमें एक महिला की मृत्यु भी हुई है. अ वुमन वॉज किल्ड एंड 2 were injured. वहाँ पर भी एक महिला की मृत्यु हुई है, जबकि 2 जो है बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं. और ये तब हुआ है जब वहाँ पे फायर और आर्टिलरी की बहुत आर्मीज़ के बीच में जो है हैवी एक्सचेंज हो रहा था. काफ़ी जो है युद्ध का एक माहौल बन चुका था LOC पर, और ये करीब बारामूला और पूंछ एरिया के अंदर हुआ फ्राइडे को, जिसके तहत अख्तर बेगम जो कि 40 वर्ष की है, उनकी बतरगन जो एरिया है उरी क्षेत्र में, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई है. उसके अलावा 2 लोग और भी इंजर्ड हुए हैं. एंड इट इज़ ऑल अबाउट कि जो हम कह सकते हैं LOC एरिया के अंदर ये घटनाक्रम कोई नया नहीं है, लेकिन उसके तहत जो है अभी ऑलरेडी जो बॉर्डर इश्यूज हमारे चल रहे हैं चाइना या नेपाल के साथ में, उसी बीच में पाकिस्तान के साथ में इस तरह के डिस्प्यूट्स ऑलरेडी एक्सपेक्टेड थे लॉकडाउन के चलते, और अब ये इस तरह का घटनाक्रम होना अपने आप में जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स हैं उनको बढ़ावा देता है. ओके, सो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज मैटर्स सो दैट दीज टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स कांट बी जनरेटेड फॉर फ्यूचर. द नेक्स्ट इज मेयर डेप्यूटी टू बी इलेक्टेड ऑन जून 24th को डेप्यूटी मेयर, दैट इज जो है जो पर्सन है उनके लिए, मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए इलेक्शंस जनरेट होंगे इन दोनों पोस्ट के लिए. एंड दैट विल बी डन बाय 3 म्यूनसिपल ऑपरेशंस इन दिल्ली, 3 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस जो है उसके द्वारा दिल्ली में 24th जून को ये
इलेक्ट होंगे. ओके, अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ. मेयर के जो इलेक्शंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे आते हैं, किस आर्टिकल में आते हैं, कैसे डिफाइन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेयर और डिप्टी मेयर के जो इलेक्शंस हैं उनको किस तरीके से और किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज सैम्पल्स फ्रॉम लोनार लेक सेंट फॉर टेस्टिंग. देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लोनार लेक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है. ये इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो पानी है वो ऑटोमेटिकली जो है इस लेक का पानी वो पिंक हो गया, यहाँ का जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली पिंक हो गया. तो उसके पिंक होने के एक दिन बाद में उसके जो सैंपल हैं वो टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं, जिससे कि ये पता चल सके कि इसका रीज़न क्या है, इसके पानी के जो है पिंक होने का रीज़न क्या है. ये चीज़, ये आर्टिकल जो है हम तब डिस्कस करेंगे जब हमारे पास में इसकी जो है रिजल्ट्स आ जाएंगे, टेस्टिंग सैंपल्स जो भेजे गए हैं उसके रिजल्ट्स आ जाने पर हम इसके बारे में टोटली डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज़ लोनार लेक, ये ज्योग्राफिकली क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसके पानी के पिंक होने का रीज़न क्या है, और बाकी सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये करीब 1.5 किलोमीटर जो है इसका डायमीटर है उस पर फैली हुई है, और इसका पानी जो है अभी रिसेंटली अब ऑटोमेटिकली पिंक होते हुए नज़र आया है. ठीक है, अब ये चीज़ कि ऑटोमेटिकली हुआ है या कोई ह्यूमन मेड उसके कारण हुआ है, जो भी रीज़न है वो टेस्टिंग के बाद, सैंपल टेस्टिंग के बाद ही सामने आ पाएंगे. द नेक्स्ट न्यूज़ इज ब्लैक लीव्स एंड एक्सपेरिमेंट कॉल्ड अमेरिका. देखिए ऑलरेडी ब्लैक लाइव्स को लेके बहुत इशू चल रहा है, ब्लैक एंड वाइट को लेके बहुत डिस्प्यूट्स हमें अमेरिका में ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं, और सोसाइटी जो है उनको हाइपोथेसिस जो एक्टिविटीज़ है उनको रिजेक्ट करते हुए, जिससे कि लोग जो है इफ़ेक्ट होते हैं कलर बेसिस पर, लोग जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उन सब चीज़ों को, हाइपोथेसिस जो चीज़ें चल रही है इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हुए दे शुड गो ऑनवर्ड्स, बिकॉज ये सारी चीज़ों का रिजल्ट सिर्फ इतना होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग डीमोरलाइज्ड फील करते हैं जो कि ब्लैक होते हैं, है ना. वो लोग कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि हम लोग, और इससे जो है ज्योग्राफिकली ले लो या आप मेंटली ले लीजिए या फिनेंशियली ले लीजिए, कहीं ना कहीं जो है स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो डाउन हो जाता है, बिकॉज हम लोग उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी जो है पॉइंटेड एरियाज में आ रहे हैं. तो उनके जितना हो सकता है हमें इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना चाहिए, ना कि इस तरह के सिचुएशंस को क्रिएट करें. बट स्टिल इनजस्टिस के बेसिस पर जो इश्यूज चल रहे हैं हम उसे गलत भी नहीं कह सकते. तो वही सारा जो इशू है वो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, और क्यों जो है फेल हो रही है इस तरह की चीज़ें, क्यों ये सारी हाइपोथेटिकल सी जो चीज़ें हैं वो क्रिएट हो रही है, क्यों इतने बड़े बड़े डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, क्यों आज भी इतने सालों बाद भी मॉडर्नाइज टेक्निकल वर्ल्ड के अंदर भी, टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर भी, इतने मॉडर्न टाइम के अंदर भी हम लोग जो है ब्लैक एंड वाइट में उलझे हुए हैं. तो ये सारी चीज़ें, इनजस्टिस या ग्लोबली इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या पहले क्या था अब क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, अब के बाद में क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे, और इसकी क्या हिस्ट्री रही है, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में दे रखी है. सो यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. ओके, द नेक्स्ट इज डेजर्ट क्लाउड, अनसेटलिंग ऑफ अ गवर्नमेंट बाय इंजीनियरिंग डिफेक्शंस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक शुड नॉट बी अलाउड. गवर्नमेंट द्वारा जो इंजीनियरिंग डिफेक्शंस देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर बात की गई है यहाँ पे, कि वो जो हम कह सकते हैं ऐसे जो है ना, डेजर्ट क्लाउड्स का मतलब होता है वो बादल जो डेजर्ट के ऊपर तो है लेकिन बरसात नहीं कर रहे हैं ना. तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, जो गवर्नमेंट जो है बन रही है, अभी रिसेंटली जो है कांग्रेस और बीजेपी के अंदर डिस्प्यूट चल रहे हैं, कांग्रेस जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसके और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब बीजेपी के बीच में डिस्प्यूट देखने को मिल रहे हैं. अशोक गहलोत जो CM हैं उन्होंने सारे MLA को गैदर किया है एक ही रिजॉर्ट के अंदर, वहीं पे जो है रुकने की बात कही है टिल इलेक्शंस, जब तक इलेक्शंस कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो लोग वहीं पे स्टैंड करेंगे, जिसके अंदर 107 MLA शामिल हैं और 200 स्ट्रॉन्ग स्टेट असेंबली, इसके अलावा एंड द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट अ डजन इंडिपेंडेंट MLA, इंडिपेंडेंट MLAs का सपोर्ट भी है उनके साथ में. तो ये जो सारी कंडीशंस वहाँ दिखाई दे रही है कांग्रेस बीजेपी की, जो इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो होल्ड है उसे कहीं ना कहीं जो वीकन शो कर रहे हैं. बेसिकली कांग्रेस गवर्नमेंट का ये कहना है, अशोक गहलोत का ये कहना है
कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो हमें हमारे MLAs को खरीदने की या कहीं ना कहीं उनको अपनी तरफ करने की किसी भी वे में कोशिश कर रही है, और अपोजिशन जो है वो कोशिश कर रहा है कि आने वाले टाइम में अगेन जो है कांग्रेस गवर्नमेंट ना आए और बीजेपी गवर्नमेंट आए। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से पूरी तरीके से नकार रही है कि हमने ऐसी कोई हरकत या ऐसी कोई गतिविधि नहीं ऑपरेट किया और ना ही हमारा कोई ऐसा इंटेंशन रहा है। तो इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली हैं। और भी जो कांग्रेस बीजेपी को लेके डिस्प्यूट्स है, कांग्रेस इटसेल्फ को लेके जो डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे इस आर्टिकल में दे रखे हैं कि क्या क्या इश्यूज़ जो है अब तक देखने को मिले। देखिए, जो वसुंधरा राजे है, जो कि अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन ग्राउंड्स पर उन्होंने कोई ऐसा शेयर नहीं किया, फॉर्मर CM रह चुकी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि करंट लीडर है, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा जो टाइम है वसुंधरा राजे के साथ में एज अ CM स्पेंड नहीं किया, बट स्टिल बीजेपी जो है वो अभी हैंडल कर रही है राजस्थान में कांग्रेस सीट्स को, जो कि मैक्सिमम लेवल पे है। कांग्रेस सीट्स जो है वो मैक्सिमम लेवल पे है। अब राज्यसभा इलेक्शन क्योंकि 19 जून को होने वाले हैं, तो अभी जो करंट स्टेटस की बात करें तो राजस्थान में जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छा जो मैकेनिज्म क्रिएट कर रही है। बीजेपी ने राज्यसभा में एक इलेक्शंस को लेकर के जो इंजीनियर डिफेक्शन यूज़ किया है, जो कि दूसरी पार्टी से जो है मेंबर्स को कलेक्ट कर रहे हैं, एंड इट्स सेकंड कैंडिडेट इज़ मोर देन जस्ट पॉलिटिकल सिग्नलिंग। तो अब देखिए, ये जो कंडीशन है, ये सिचुएशन अभी हमने डिस्कस की है, ये कांग्रेस का प्रत्यारोपण है, जबकि वास्तविकता में कंडीशन ऐसी है या नहीं है वो चीज़ हमें भी नहीं पता है। बीजेपी ऐसा कह रही है कि उन्हें इन सारी चीज़ों से या इन सारी घटनाक्रम के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हमें इस सिचुएशन के बारे में कोई जनरल आइडिया भी नहीं है कि ऐसी कोई कंडीशन हो रही है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो अभी जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह की जैसा कि राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो अपने आप में जो हम कह सकते हैं जो पेंडेमिक है COVID-19 को हैंडल करने मैनेजमेंट के अंदर टॉप पे चली गई थी और टॉप वर्क किया था ऐसा सुनने में आया था, बट स्टिल केसेस भी कम नहीं हुए, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि जीरो लेवल पे केसेस को लेके गई, बट स्टिल गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट वर्क किया और हर तरह की स्टेट गवर्नमेंट्स इस तरह के कार्य कर रही है ना। और केंद्र सरकार की अगर बात करें तो वो भी हर तरीके से जो है सरकारों को अपनी तरफ से योगदान दे रही थी। तो ये जो कंडीशंस हो रही है, तो दोनों ही गवर्नमेंट, हर तरह की गवर्नमेंट, इसी बीच में राजस्थान गवर्नमेंट ने ये भी क्लेम किया कि केंद्र सरकार द्वारा हमें प्रॉपर फंडिंग भी नहीं मिल रही है, जबकि बीजेपी ने इस तरह के जो आरोप हैं या प्रत्यारोपण हैं उनको भी नकारा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये जो कंडीशन क्रिएट हो रही है, ये कहीं ना कहीं राजस्थान को बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है। गवर्नमेंट्स के बीच में ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, कांग्रेस का कंटिन्यूसली ब्लेम करना बीजेपी को, बीजेपी का कंटिन्यूसली उन्हें नकारते हुए आगे बढ़ना और फर्दर स्टेप्स लेना, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो डेमोक्रेसी चल रही है, डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड हाउ इट विल वर्क, बट स्टिल दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस आर क्रिएटिंग अ बैड इम्पैक्ट और इट इज़ बैडली इफेक्टिंग राजस्थान। ओके, सो गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड कि हमें कैसे चलना है। इंजीनियरिंग जो वर्क है या टेक्निकल जो हम कह सकते हैं जो इंजीनियरिंग चल रही है यहाँ की गवर्नमेंट में, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में, उसको जो है एक इन सारे डिस्प्यूट को कोलैबोरेट करते हुए एक प्रॉपर वे में, टेक्निकल वे में इंजीनियरिंग इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा हमें कि उसके बेसिस पर इस तरह के डिस्प्यूट्स फर्दर हमें आगे देखने को ना मिले। बट स्टिल लेट्स सी, क्योंकि ऑलरेडी पेंडेमिक इस पीक पर है कि हम लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स उसे हैंडल नहीं कर पा रही, लोग चाहकर भी गवर्नमेंट्स इतने एफर्ट्स के बाद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही, और उस दौर में केसेस कंटिन्यू बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी सरकार का मुद्दा इलेक्शन से बढ़कर पेंडेमिक को हैंडल करने का होना चाहिए, ना कि इस तरह के इलेक्शन बेस्ड इश्यूज़ पर। ओके, द नेक्स्ट इज़ नेम्स एंड प्लेसेस। इट इज़ ऑल अबाउट हाउ द places, the names of places and cities are getting changed. तो उसके ऊपर बात की गई है कि जो इंग्लिश ले लीजिए या लोकल लैंग्वेजेस के बेसिस पर ले लीजिए, जिस तरीके से कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहा है, नेम्स चेंज हो रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। इट शुडंट बी क्रिएटेड लाइक दिस। एंड जो जिस तरीके के टर्म्स और जिस तरीके के लैंग्वेजेस जो है यूज़ ले रहे हैं, जैसा कि तमिल लैंग्वेज,
द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज बट स्टिल वी आर यूजिंग, अभी भी चल रही है और सर्वाइवल है और बहुत ह्यूज लेवल पे है ना। तो इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमें अपनी सोवरेनिटी को जो है कहीं ना कहीं बचाने के लिए, सोवरेनिटी को सेव करने पर कार्य करना चाहिए, उसको फोकस करना चाहिए, ना कि इस तरह के डिस्प्यूट्स पर कि जो है लैंग्वेज जो सिटी है या जो स्टेट्स हैं उनके नेम चेंज हो रहे हैं, लोकेलिटी चेंज हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बट नेम चेंजेस कांट इफेक्ट the identity of that particular place, okay? So this article is too good, आपको discuss करना चाहिए, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए इस article को, बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी knowledgeable चीज़ें यहाँ पर discuss की गई हैं और काफ़ी जो है अच्छे areas को भी यहाँ पर, जैसे वेलोर है, कोयम्बटूर है और पुडुचेरी जो कि पहले पौंडीचेरी था, उसके अलावा थिरुमलाई जो है उसकी बात कहेंगे, शिवगंगा जो है उस, ये सारे डिस्प्यूट्स जो है नेम्स को लेकर और काफ़ी चल रहे हैं। और अभी मैं आपको बता देती हूँ, भारत और इंडिया को लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में ये जो है पिटीशन साइन की गई थी और उस जो है इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इशू भी ये दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन भी दिया है कि उसे भारत ही रखा जाएगा और इंडिया यूज़ में लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका नाम बदला जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में भारतवर्ष का ही नाम इस्तेमाल किया गया है। तो इससे रिलेटेड है ये, और इससे रिलेटेड कई सारे ऐसी जगह है जिनके नाम जो है चेंज हो गए हैं या चेंज हो रहे हैं, तो उस पर जो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इट इज़ नॉट ऑल अबाउट इट, जो नेम्स और प्लेसेस पर बेस्ड ये आर्टिकल है, इट विल गिव यू अ वेरी लॉट ऑफ ह्यूज ऑफ नॉलेज, सो यू शुड गो फॉर इट। ओके, द नेक्स्ट